हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई मेडिसिन रिव्यू के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस मेडिसिन रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूव स्प्रे के बारे में। जानेंगे इस मूव स्प्रे के क्या क्या यूजेज रहते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है और किन किन कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट वॉच करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाले मेडिसिन रिलेटेड सभी नए वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास मूव स्प्रे है, जो कि कई तरह की प्रॉब्लम्स में काम आता है। जैसे कि अगर किसी को चोट या मोच हो गया है, जैसे कि अगर किसी को गुम चोट कहीं पर आ गई है, बॉडी के किसी भी हिस्से में किसी को गुम चोट लगी है, तो इसको उस टाइम वहाँ पर लगाया जाता है और इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जॉइंट्स में दर्द रहता हो, यानी कि जो जोड़ों में दर्द होता है, हाथ पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, हमेशा दर्द की शिकायत बनी रहती है, तब ऐसी कंडीशन में भी ज़्यादातर डॉक्टर्स मूव स्प्रे का यूज़ करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है जिसको अचानक से चोट लग गई हो, गुम चोट लग गई हो, और गुम चोट लग जाने के कारण से वहाँ दर्द हो रहा हो, सूजन भी आ गई हो, तब ऐसी कंडीशन में भी मूव स्प्रे लगाने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि कोई प्लेयर है, चाहे वो कैसा भी प्लेयर हो, क्रिकेट प्लेयर हो, वॉलीबॉल, या फिर कोई रनिंग कर रहा है और उसको माइनर इंजरी हो गई हो, कई बार रनिंग करने वाले जो लोग होते हैं उनको ऊँची नीची जगह में पैर पड़ जाने के कारण मोच आ जाती है पैर में, या फिर दौड़ने की वजह से शोल्डर या फिर उनके हैंड्स में किसी तरह की मोच आ जाती है या फिर खिंचाव आ जाता है, तब ऐसी कंडीशन में भी इस मूव स्प्रे का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, और अगर हम इसके यूजेस की बात करें, तो जैसे किसी की बॉडी के हिस्से पर कहीं भी कोई भारी चीज़ गिर गई हो, भारी चीज़ गिरने की वजह से उसे किसी भी तरह की गुम चोट आई हो, तब ऐसी कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओवरऑल मैं कहूँ तो दोस्तों, गुम चोट हो, मोच हो, इस तरह की सभी कंडीशन में ये मूव स्प्रे काफ़ी अच्छा काम करती है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है। और ये कंधे, घुटने, जोड़ों का दर्द, हाथ पैरों का दर्द, हथेली या पैर के पंजों में मोच का दर्द, तो इस तरह की सभी कंडीशन में मूव स्प्रे काफ़ी अच्छा काम करती है और ये काफ़ी जल्दी रिलीफ दिलाती है। एक्टिव स्प्रे है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम कहें तो ये सभी तरह के चोट या मोच वाली जगह में काम करता है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। कंपोजिशन की मैं बात करूं तो इसमें 8 से 10 दवाइयों को मिलाया गया है। इसी के साथ इसमें दवाइयों के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक ऑयल्स को भी ऐड किया जाता है, जिससे कि काफ़ी हद तक वो राहत दिलाते हैं सभी तरह के दर्द में और मोच में, तो इससे ये आराम दिलाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये सभी दवाएँ मिलकर मोच वाली जगह पर, चोट वाली जगह पर जल्द ही आराम दिलाती हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके कुछ बेसिक डिटेल की। अगर मैं यहाँ प्राइस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 140 रुपये में आपको इजीली आपके एरिया में किसी भी फार्मेसी स्टोर से ये मिल जाता है। और अगर इसकी नेट कंटेंट्स की बात करें तो 35 ग्राम का ये मूव आपको मिलता है। और इस तरह से आप इसको ओपन करने के बाद यहाँ से इस तरह से आपको ये मिलता है देखने को, और यहाँ से पुश करने के बाद ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, इंजरी वाली जगह पर इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, कई बार हमारे घर में जो माताएँ बहनें होती हैं, घर में अधिक काम होने की वजह से या फिर पूरे दिन काम में व्यस्त रहने की वजह से उनको कई बार कमर में दर्द, उनके बैकबोन में दर्द होने लगता है और उनको जोड़ों में भी दर्द हो जाता है, कई बार उनको घुटनों में दर्द की शिकायत लगी रहती है। तो ऐसी सभी कंडीशन में उन माताओं बहनों के लिए काफ़ी अच्छी ये मेडिसिन है, काफ़ी अच्छा ये मूव स्प्रे फ़ायदा करता है। तो दोस्तों, इस तरह से जॉइंट्स रिलेटेड या फिर चोट मोच के दर्द से संबंधित कोई भी परेशानी होने पर आप अपने डॉक्टर्स की सलाह के बाद इस मूव स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये मूव स्प्रे का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर से कर दें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में इसी तरह की नई मेडिसिन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।